साहिबान मेहरबान कदरदान अदनान अंकल आंटी ने काका आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बिट्टू इंदौरी आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड में आई सभी उन फिल्मों के बारे में जो यार 19 में रिलीज हुई और उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उन्होंने कितनी कमाई करी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरा साथ बिट्टू इंदौरी पे। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस जो भी है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और अगर आपको कोई शिकायत है मुझसे या आप कुछ भी कहना चाहते हैं मेरे चैनल के बारे में, मेरे बारे में, या कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो कॉमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उस बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन बिट्टू इंदौरी। तो ब्याव हम बात करते हैं बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में। सन 2019 में कौन कौन सी मूवी आई थी और कौन कौन सी मूवी सुपर हिट रही और कितनी उन मूवीज़ ने कमाई करी है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो शुरुआत करते हैं हम इस लिस्ट में, टॉप वन पर अभी स्टे कर रही है वॉर। जी हाँ दोस्तों, वॉर, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, वाणी कपूर स्टारर ये मूवी वॉर। इस मूवी ने बहुत ही बेहतरीन कमाई करी है, सुपर हिट कैटेगरी में रही है, मतलब ब्लॉकबस्टर रही है ये मूवी। इसका एक्शन, सॉन्ग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, डायरेक्शन इज एवरीथिंग परफेक्ट और एक्टिंग भी परफेक्ट ऋतिक रोशन सर की। इस मूवी ने अभी तक कमा है 318 करोड़ रुपए, ओवरसीज मार्केट की बात करें तो 378 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड की बात करें 474 करोड़ रुपए इस मूवी ने कमाए हैं। मतलब धुआंधार, एकदम अमेजिंग, बधाई हो वार टीम को पूरी के पूरी। दूसरी मूवी की बात करते हैं हम, दूसरी मूवी है वॉर के बाद में कबीर सिंह शाहिद कपूर की मूवी है और ये मूवी भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उस मूवी ने करी थी, दर्शकों को बहुत ही पसंद आई थी। कबीर सिंह का अंदाज, शाहिद कपूर की एक्टिंग, जो भी है एक्सेक्ट्रा, इस मूवी ने बहुत अच्छी कमाई करी है। 275 करोड़ रुपये कमा के साल की दूसरे नंबर की टॉप कमाने वाली पिक्चर की लिस्ट में आ चुकी है ये। बात करते हैं तीसरी मूवी की, तो उरी, तीसरी मूवी है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, विक्की कौशल की ये पिक्चर थी और इस पिक्चर में उनका कौशल, जो अभिनय कौशल है वो देखने को मिला था। डायरेक्शन अच्छा था, पिक्चर की स्टोरी तो बहुत ही अच्छी थी। तो इसने कमाए हैं 244 करोड़ रुपए और लाजवाब रही थी ये पिक्चर भी। आगे बात करते हैं चौथे नंबर की मूवी की, इस नंबर पर है, चौथे नंबर पर है हाउसफुल 4, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल। ये मूवी हालांकि इतनी अच्छी नहीं रही लेकिन फिर भी कमाई के मामले में चौथे नंबर पर आ चुकी है, 232 करोड़ प्लस अभी तक कमा चुकी है ये। आगे बात करते हैं भारत, मेरा भारत महान, सलमान भाईजान की ये पिक्चर थी, 211 करोड़ रुपए इस मूवी ने कमाए हैं। लेकिन भारतवासियों को इस पिक्चर से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई और ये पिक्चर चली नहीं चली, एक बराबर ही है, जो भी है ठीक ही है, सलमान खान की पिक्चर थी तो चलना तो थी। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं भैया मंगल की तरफ, मतलब मिशन मंगल की तरफ बढ़ते हैं। छठे नंबर पे मूवी है मिशन मंगल, अक्षय कुमार की मूवी थी ये, बहुत ही उम्दा है इस पिक्चर का डायरेक्शन था, अभिनय सबका अच्छा था इस पिक्चर के अंदर। इस पिक्चर का कमा है 203 करोड़ रुपए और ये सारे कलेक्शन दोस्तों बॉलीवुड नेट कलेक्शन है ओनली ऑन हिंदी भाषा के। ठीक है, आगे बात करते हैं सातवें नंबर की मूवी है केसरी। केसरी मूवी भी अक्षय कुमार की है, पेट्रियोटिक पिक्चर थी, अभिनय अच्छा था, एक्शन अच्छा था, लाजवाब मूवी थी। इस मूवी ने भी कमाए हैं 150 करोड़ के आसपास, मतलब अगर मैं एग्जैक्ट फिगर की बात करूँ तो 154 करोड़ रुपए के आसपास। आगे बढ़ते हैं टोटल फ्लॉप की तरफ, मतलब आठवें नंबर की पिक्चर है टोटल धमाल, जो कि टोटल फ्लॉप रही थी लेकिन फिर भी कमाई के मामले में 153 करोड़ रुपए कमा चुकी थी ये। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप। नौवें नंबर पर है छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत इसके अंदर हीरो थे, श्रद्धा कपूर इसमें हीरोइन थी, अच्छी पिक्चर थी, और मतलब अच्छी पिक्चर थी भैया, बहुत अच्छी पिक्चर थी, हिट पिक्चर थी, मुझे ही पसंद आई थी पिक्चर, 152 करोड़ रुपए कमाए हैं इस पिक्चर ने। नंबर 10 पर है सुपर फिल्म, मतलब सुपर 30 सुपर हीरो की फिल्म, ऋतिक रोशन की फिल्म, क्रिश की फिल्म, इंडियन सुपर हीरो, वन एंड ओनली इंडियन सुपर हीरो ऋतिक रोशन की पिक्चर थी भैया। अमेजिंग एक्टिंग, अमेजिंग स्टोरी, लाजवाब यार, मैं तो ऋतिक रोशन सर का एक बार फिर से क्या 10 गुना इनका ज़्यादा बड़ा फैन बन गया उस पिक्चर से, बहुत गजब पिक्चर थी। हालांकि कमाई के मामले में ज़्यादा कमा नहीं पाई पिक्चर, 149 करोड़ रुपये कमाए हैं लेकिन पिक्चर बहुत लाजवाब थी दोस्तों। मेरी गली मैं गली 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 मैं, जी हाँ दोस्तों, अगली पिक्चर जो है वो है गली बॉय। गली बॉय 11 नंबर पर स्टे कर रही है इस लिस्ट में, 140 करोड़ रुपए इसने कमाया है, रणवीर सिंह की ये पिक्चर थी और बहुत ही अमेजिंग पिक्चर थी। आगे बात करते हैं भैया आयुष्मान खुराना की बात करते हैं, आयुष्मान खुराना की मूवी बाला,
जो अभी अभी रिलीज हुई है, लेकिन कमाई के मामले में 115 करोड़ प्लस का आंकड़ा पार कर चुकी है और अभी भी चल रही है ये मूवी। और जो मूवी का कंटेंट था वो बिल्कुल डिफरेंट था, अलग था, नया था, यूनिक था, कुछ गजब का था और अच्छा कॉमेडी पंचेज इस मूवी में देखने को मिले थे। आगे बात करते हैं हम 13 नंबर पर है ड्रीम गर्ल, जो कि आयुष्मान खुराना की ही पिक्चर है। इस मूवी का कंटेंट भी थोड़ा डिफरेंट था, अलग था और ये भी 100 करोड़ प्लस कमा चुकी थी पिक्चर। तो भैया ये था कुछ टॉप मूवीज जिन्होंने 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की कमाई अभी तक करी है 2019 में। इसके अलावा भी कुछ मूवीज ऐसी है जिन्होंने 100 करोड़ तक तो नहीं पहुंच पाई लेकिन मूवी बहुत अच्छी थी, बाय स्टोरी, बाय डायरेक्शन, बाय एक्टिंग एंड बाय टॉपिक। तो इन मूवी के अंदर पहली मूवी जो है बदला, अमिताभ बच्चन जी और तापसी पन्नू की पिक्चर थी, बहुत ही गजब का थ्रिलर था इस पिक्चर के अंदर और सस्पेंस वाली पिक्चर थी ये भैया। दूसरी पिक्चर है सांड की याद, तापसी पन्नू भूमि पेंडेकर की। तीसरी पिक्चर है आर्टिकल 50 आयुष्मान खुराना। चौथी पिक्चर है वाई चीट इंडिया इमरान हाशमी। और पाँचवीं पिक्चर है जंगली विद्युत झमवाल। ये पिक्चर है अच्छी पिक्चर थी लेकिन ज्यादा कमाई नहीं कर पाई ये पिक्चर, लेकिन जिन्होंने भी देखी तारीफ ही करी ये पिक्चर की और गजब की पिक्चर थी। तो भाइयों ये था मेरा आज का वीडियो, आगे आप लोगों के लिए जल्द एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। तब तक के लिए आपको करता हूं नमस्कार।